नासा ने सौरमंडल के बाहर एक नई ग्रह की खोज की है। इसका आकार पृथ्वी के समान है। क्या ये ग्रह रहने योग्य है? सभी जानते हैं कि सर्दियों में मुंह से धुआं निकलता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह 90% लोग नहीं जानते। अगर रियल लाइफ में एक चींटी का आकार हमारे जैसा होता तो कैसा होता? इन अजीबोगरीब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हे फ्रेंड्स, माइसेल्फ नील, वेलकम टू माय चैनल नील्स फैक्ट। बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, क्या आप जानते हैं एक प्यासा ऊंट 3 मिनट से भी कम समय में 25 गैलन 94 लीटर से अधिक पानी पी सकता है? गर्म और शुष्क परिस्थितियों को संभालने के लिए ऊंटों में कई दिलचस्प एडाप्टेशन होते हैं। इनमें पानी पिए बिना लंबे समय तक चलने की क्षमता और बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में पानी पीने की क्षमता भी शामिल है। ऊंट अपने खुर में पानी जमा नहीं करते हैं। इसके बजाय ऊंट एनर्जी से भरपूर फैट को संग्रहित करने के लिए खुर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, नासा ने एक नई ग्रह की खोज की है। साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पानी हो सकता है, क्योंकि नई खोजे गए प्लैनेट की स्थिति उसके सूर्य के हैबिटेबल जोन रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है। इस नई ग्रह का नाम TOI 700E है। इस प्लैनेट को नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिनका शॉर्ट फॉर्म TES, द्वारा देखा गया था। नासा के डेटा के मुताबिक TOI 700E का इलाका पथरीला है, लेकिन इसमें पानी भी हो सकता है। नासा द्वारा दी गई गणना के अनुसार नया खोजा गया प्लैनेट पृथ्वी के आकार का 95% है। ये नई ग्रह 28 दिनों में अपने सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका एक पक्ष हमेशा प्रकाश का सामना करता है और दूसरी ओर हमेशा अंधेरा रहता है। नतीजतन भले ही ये ग्रह रहने योग्य हो, इसके एक तरफ दिन का प्रकाश और दूसरी तरफ अंतहीन रात होगी। नंबर थ्री, तापमान गिरते ही लोगों के मुंह से धुआं निकलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड होने पर मुंह से धुआं क्यों निकलने लगता है? आइए जानते हैं असली रीजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है और हमारे लंग्स हवा से भरे होते हैं। लंग्स में जो हवा भरी होती है वो पूरी तरह वेपर रूप में होती है। यही कारण है कि जब हम सर्दियों में सांस छोड़ते हैं तो ठंडी हवा बहुत जल्दी उसका तापमान गिरा देती है और तुरंत ये वेपर उस ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है। जैसे ही ये उस बिंदु पर पहुंचता है, लंग्स में मौजूद हवा वाष्प के बजाय पानी में बदल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वेपर ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है तो ये द्रवीभूत हो जाती है और बहुत छोटी बूंदों में बदल जाती है। यही ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से धुएं के रूप में निकलते हैं। ये प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि हमें लगता है कि मुंह से धुआं निकल रहा है। ग्रीष्मकाल में वायुमंडल का तापमान अधिक हो जाता है। इस कारण गर्मी के समय में जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये अर्थ अवस्था में होता है, इसलिए गर्मियों में धुआं नहीं निकलता है। तो आप समझ गए कि ऐसा क्यों होता है? अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर फोर, अगर एक चींटी इंसान के आकार की होती तो क्या आप जानते हैं कि वो कितनी तेजी से दौड़ सकती है? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये लैम्बोर्गिनी से दोगुनी रफ्तार से दौड़ सकती थी। अगर वो इंसान जितनी बड़ी होती तो दुनिया की सबसे तेज चींटी 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकती है। आपके लिए मेरे पास एक बोनस टिप है। अपने किसी खास को गले लगाने या हाथ पकड़ने से तनाव तुरंत कम हो सकता है। जब आप बहुत स्ट्रेस में हो तो मेरी बातों को आजमाएं, आपको राहत मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई विल बी बैक सून। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अधिक से अधिक आश्चर्यजनक फैक्ट जानने के लिए नील्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। स्टे वेल। टाटा।